युवा राज्यसभा जे एंड के जम्मू अज कल की एक प्रेस वार्ता हुई है जिस जम्मू का बंद का अस समर्थन किया है। उसके बाद जिहड़ा असमझ कोहल पैदा है आम का जां ना का अज युवा राज्यसभा का कोर कमेटी ने ते सारे बरादरी ने फैसला किया कि जिहड़ा कल का चैंबर ऑफ कॉमर्स की बंद की कॉल है उसके विच युवा राज्यसभा चैंबर कन्नै खड़ोती दी नजर आवे। ठीक है सर, कोई और सवाल? एपी जी, ट्रांसपोर्ट जिहड़ा असीं समर्थन दे रहे सी की चीज़ दी? देखो, सारे लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां होंदियां, ट्रांसपोर्टरां की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन साडा जिहड़ा इरादा स्पष्ट है कि जम्मू के लोगों ने जो पूरा अगर पूरा जम्मू बंद के कगार पर खड़ोते है तो युवा राज्यसभा पिछे नहीं हो, युवा राज्यसभा भी चैंबर कन्नै तो खड़ोती हुई नजर आओ। कल 9:30 बजे के बाद युवा राज्यसभा सड़कें पर भी आओ। अस लोगों की जम्मू के खास करी डोगरी इन्नी गल आखना चाहिए कि जी बंद की कॉल है शांतिपूर्वक बंद की कॉल है, एक ट्रेलर है गौरमेंट की सुनाने वास्ते कि जम्मू के लोगों की गल सुनी जा, ये तुंदे लोग न, इन्हें दवाया मत जा। प्यार करने सारे काम होंगे, प्यार करने अगर टैक्स भी लेना तो प्यार का सौदा बनाओ, जबरदस्ती का सौदा जोड़ा वो अं मंजूर नहीं है। अज जी साड़ी कोर कमेटी का फैसला होया कि साड़ा युवा राज्यसभा का जो स्टैंड है वह चैंबर कन्नै चैंबर कन्नै खड़ोती नजर आएगी। युवा राज्यसभा कल के चैंबर के बंद की कॉल के युवा राज्यसभा मीटिंग चला आखिरी फिर अस आखिए अस आखिए फिर आखिए तो लगता है कुछ ना कुछ अगर जम्मू की गल खुलिए करनी है तो खुलिए करो। एक कहीं पोलिटिकल दबाव लगता तो या फिर एडमिशन दबाव लगता की नहीं खुली सामने आ रहे? राहुल जी, बड़ी मजेदार गल पूछी है। दबाव सारी बखी का होंगे, दबने वाले लोग बड़े घट होंगे, लेकिन जम्मू वास्ते मैं सारे लोगों की गल आखना चाहता। कल एक ट्रेलर है कुदै ना कुदै अस खुंजी गए हैं, अस लै लो जां चैंबर लै लो, लेकिन जो कल ट्रेलर है ये बाद जो भी काम हो वह बेहतर तरीके कन्नै पूरे जम्मू की सोसायटी कन्नै लेइयै गलबात जी भी अगली हो तो दिखी लैगे कि जरा साड़ा तरीका कियां। लेकिन अगर जिसी भी कोई तकलीफ है कब्जा लैन जा रहे हैं गल सरकार का फर्ज है तो सुननी है सारे लोगों की गल, जम्मू के लोगों की गल सुननी पो। अज पिछे चलिए जो बंबा बोले का दौर हा, दूजिया सरकार डंडे पर खादी रही है, ये भी हम डंडे पर गाई जी तो जम्मू के लोगों कि मारी की इंटे कहना एक दिन 11 हज़ार पंजी ये पंजी टैक्स भी आई साल ये तोहफा ही आई है। तो बाकी सारे प्रधान साहब ने आखी दिता है युवा राजू सभा डोगरें लिए बिल्कुल शाना बछाना खड़ी हो, जिथे भी कोई माड़ी गल हो सभा बिल्कुल शाना बछाना खड़ी हो, लोहे अगर खड़ी होगी चटान बारे कोई ऐसी कोई दो राय नहीं। रजिंदर जी थोड़े गल करके लगता भाजपा का भी यू हाल है जो एक आम नागरिक का, मैं क्यों ये बोला ना क्योंकि वो बार बार आते जी एल जी साहब देखे साड़ी भी नहीं चलाई ऐसा ऐसा लगता है तो लगता इस करिए वो भी कोशिश इस एद चुप्पी साधी बैठी रही है बंद की रही है ना समर्थन ना कुछ क्या आखिर उस एक आम लोगों की बड़ी उम्मीद है। गल है जी अगर पार्टी पर जाना हो बीजेपी का जो दौला नीति है ना अज सारे लोगों के सामने नजर आ रही है और खासकर अस आगे सभा आख मैं अज सभा के तौर पर आखा मैं पोलिटिकल आदमी सभा का एक साफ स्टैंड है। अगर लोगों की जम्मू के लोगों की दर्द है तो बीजेपी ने बोलना चाहिए इस वेल कि भाई इस जो टैक्स लाया है और जो दिन ब दिन रोज कोई ना कोई नवा टैक्स ला दे अज भी जम्मू कश्मीर की जी बिजली के उपर और कल जो देखा जो टोल प्लाजे के उपर जो इन्हें नवे रेट्स लिस्ट लाए ये कुछ बोझ पवा और जरा साड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जम्मू के डोगरे का खासकर बोलना बंद करा दे डरा दे धमका दे और हर आदमी के तबके की कोशिश करा दे कि जिन्हें किसी लोगों को लभ लभी जाए जिड़े पिछले दिन तुम्हें देखा जो पीला पंजा चला मैं तो सामने आखा जो सरकारी रेट है
जमीने पर लगे दा जिहड़ा सरकारी रेट ने आने वाले दिन वह विदिन डे तुहाडे कोल आ जाणा और उहदे रेट पर लोग अपनी जमीन की चाहे वह उहदे कोल 71 कोलों पहले भी चाहे वह 47 कोलों पहले भी वह रेट की है वापस लैनी है अपने नाम कराने लई। ये जिहड़ा इस वेले एल जी साहब का जिहड़ा तरीकाकार चला रहा और जिहड़े इहदे एडवाइजर ने मैं साफ तौर पर आखना चाहना जिहड़े एडवाइजर ने गवर्नर साहब की करा दे जां तो बीजेपी के मकाने दे करा दे जम्मू के लोगों की सीधा भड़काने का ही करा देन कि जो सा पहला राज था महाराज हरि सिंह यह वापस लाना चाहते क्योंकि कम से कम लोगों की निजात है ही इन्हें टैक्सें को लोगों को सुरक्षा